घुटना सैंडविच बनाने के लिए हम यहाँ एक कप बेसन लेंगे, एक चौथाई कप उसमें सूजी ऐड करेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी इसमें ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून नमक। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप दही ऐड करेंगे। दही को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे और अब एक मोल्ड को हम थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। 10 मिनट बाद बैटर को हम दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। अब एक पोर्शन में हम 1/4 टीस्पून इनो पाउडर डालेंगे और कुछ ड्रॉप्स पानी की उसके ऊपर डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। अब बैटर को हम मोल्ड में डालेंगे और यहाँ एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करके रखा था, तो स्टैंड के ऊपर हम मोल्ड को रख देंगे। और अब हम इसको ढककर पका लेंगे। सैंडविच स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने थोड़ी सी टोमेटो, कैप्सिकम और थोड़ा सा पनीर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा सीजनिंग ऐड करेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इनको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ढोकला हमारा पक गया है। अब हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। और जो स्टफिंग हमने बनाई थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब सेकंड पोर्शन में भी हम थोड़ा सा इनो डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स पानी के, और इसको भी फेंट लेंगे। इस बैटर को अब हम स्टफिंग के ऊपर फैला देंगे। इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसमें मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक और आधा नींबू का रस, और अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। तो ये हमारा तड़का रेडी है। तो ढोकला सैंडविच हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम ढोकले को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये देखिए। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप जो हमने बनाया था वो डालेंगे। थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी इसके ऊपर डालेंगे। और थोड़ी सी स्टफिंग से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो ढोकला सैंडविच हमारा बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको ज़रूर बना के देखें। अगली बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।